What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 15 जून 2020 मंडे है, सुबह के 8:38 हो रहे हैं। पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। फ्राइडे को हमने देखा था 350 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद करीब करीब 400 पॉइंट की रिकवरी। काफी यूनिक डे था फ्राइडे का, तो ऐसा दिन काफी ईयर्स में काफी दिनों के बाद ऐसा एक दिन दिखाई दिया है जहां पर 350 पॉइंट की गिरावट के बाद 400 पॉइंट की रिकवरी और वन वे में रिकवरी हुई है। लेकिन जो ट्रेंड बना है अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड, वो डाउन ट्रेंड का है। हमने लास्ट वीक के एनालिसिस में इसे आइडेंटिफाई किया था, एक सिमिलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था डेली चार्ट में। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखेंगे। उससे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। ये फ्राइडे का पिक्चर है, यानी 12 जून आफ्टर मार्केट आवर से पिक्चर लिया था। कल का फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 9920 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 9712। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। काफी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला था। जैसे ये रिकवरी इसने शुरुआत की तो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस इसने एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस दिखाया। फिर एक छोटा सा यहाँ पर इसने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखाई दी, जो डाउन गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो रिकवरी देखने को मिली थी। उसके बाद एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट के यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया है और यहाँ से ये बाउंस बैक होते हुए, जैसे ये फिर से एक बार बाउंस बैक दिखाने से पहले एक करेक्शन दिखा रहा था, एग्जैक्ट इसने ब्रेकडाउन लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट करके जबरदस्त रिकवरी दिखाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये फेल हुआ, पेनेट्रेट हुआ ब्रेकआउट लेवल, एग्जैक्ट इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट 9946 अचीव हुआ और एग्जैक्ट दिन का हाई फ्राइडे का ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट के पास, यानी 9989 के पास इसने हाई लगाया। तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुए थे फ्राइडे को भी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 38 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। नासडैक यूएस मार्केट भी देखे तो फ्राइडे को एक गिरावट के बाद रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यूरोपियन मार्केट्स में भी काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिला था फ्राइडे को और एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके हैं तो इस समय भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 54 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और निकेई 121 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है। तो अभी भी कमजोरी ग्लोबल मार्केट्स में बनी हुई है। कोरोना का सेकेंड वेव आ सकता है, इसके वजह से भी मार्केट थोड़ा सहमा हुआ है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। ये मंथली चार्ट है और ये जून का कैंडल है, ये मई का कैंडल है और ये अप्रैल का कैंडल है। अभी यहाँ से अगर रिकवरी होना है तो मंथली चार्ट, एज पर मंथली चार्ट, ये जो ब्लू लाइन है 50 एमए का लाइन है, ये अराउंड 10,150 के पास आ रहा है मंथली चार्ट में। तो मंथली चार्ट में अगर ये 150 के ऊपर क्लोज देता है तो ही यहाँ पर चांसेस होंगे कि ये रिकवरी, ये जो हम देख रहे हैं, ये कंटिन्यू यहाँ से हो सकती है और ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन इन हर्डल्स को इसे कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा। तो ये मंथली चार्ट में रेजिस्टेंस 10,150 के पास है और सपोर्ट है अराउंड 8,820 के पास। ये मंथली चार्ट, लॉन्ग टाइम फ्रेम चार्ट देख रहे हैं हम। वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी ये जो रिकवरी आई है इससे एक पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन अभी ये सिर्फ सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए इसे इस तरह से, आप अगर पास्ट में देखें, यहाँ 24 जनवरी का एक कैंडल है वीकली चार्ट में, ये सिमिलर हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर सिमिलर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ये बियरिश कैंडलस्टिक जो कि कंफर्मेशन देती है इस पैटर्न का, और उसके बाद हमें यह जबरदस्त डाउनफॉल दिखाई दिया है।
तो अभी यहाँ पर अगर ये बियरिश कैंडल स्टिक की स्विग भी बनता है यहाँ पर और इस कैंडल का लो कंफर्टेबली ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से चांसेस होंगे कि निफ्टी इंडेक्स फिर से टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव करे। हालांकि इसे अगर ऊपर की तरफ अगर ये कन्वर्ट होना है तेजी में, ये जो रिकवरी आई है, तो इसके पहले उसे लास्ट वीक का हाई यानी 10,328 के ऊपर, जहां पर ऑलमोस्ट ये 61.8% का लेवल आ रहा है, इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। और उसके ऊपर ही एक क्विकली दो हर्डल्स भी आ रहे हैं जो 50 EMA और 100 EMA ऑलमोस्ट एक ही लेवल के आसपास है, 10,650 to 10,750, इसके पास एक हर्डल हो सकता है। तो इन लेवल्स को अगर ये ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो ही अप ट्रेंड में ये कन्वर्ट हो सकता है। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का हम एनालिसिस कर रहे हैं। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में ये जबरदस्त यहाँ पर ये जो रिकवरी आई है उसके जस्ट ऊपर 100 EMA का फिर से अभी ये रेजिस्टेंस हो सकता है, अराउंड 10,040 के पास है। साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, तो ये जब तक ये इस हाई के ऊपर, ये जो स्विंग हाई बना हुआ है इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता, तब तक यहाँ से अप ट्रेंड में ये कन्वर्ट हो सकता है, ये कन्फर्मेशन नहीं मिल सकता हमें। तो इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ही लॉन्ग पोजीशन यहाँ से बनाना बेटर होगा। अदरवाइज ये इन हर्डल्स को यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करके फिर से एक बार साउथ की तरफ यहाँ से मुंह दिखा सकते हैं। तो ये था डेली वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को क्विकली आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये जो फ्राइडे का हाई है यानी ऑलमोस्ट 9,994 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, एक काम करते हैं, 10,000 साइकोलॉजिकल बैरियर भी होगा और यहाँ पर इसने एक बार सपोर्ट टेस्ट किया है इस लेवल के पास, और यहाँ पर इसने ये रेजिस्टेंस फेस किया है। जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा था कुछ दिनों पहले तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था आर्ली चार्ट में, तो 10,029 को क्लियरली ब्रेक होने दीजिए, सस्टेन होने दीजिए। इसके ऊपर अगर ये चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,068, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,105, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड साउथ की तरफ चला जाता है तो जहाँ पर से ये गैप क्रिएट हुआ था, इसका जो इनिशियल पॉइंट है 9,884, इसको ब्रेक होने दीजिए कंफर्टेबली, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का लेवल जो कि 9,837 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9,809, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।